लोकल एरिया नेटवर्किंग वॉज केबल कनेक्टिविटी ओके डेज वायरलेस अ लग्जरी सो कंपनी दो नहीं चाहेगी यार आज के दौर के अंदर कि मेरे पास तीन बंदे हों एक वाई फाई एक, लैन और एक वैन विल दे आर लुकिंग फॉर वन आपको सिक्योरिटी का भी एसोसिएट लेवल आना चाहिए आपको लैन uh, वैन का भी एसोसिएट लेवल आना चाहिए आपको वायरलेस का भी आना चाहिए आप अपनी लर्निंग नहीं अपग्रेड कर रहे तो बॉस कोई तो घर में बैठा हुआ है ओके okay, कल को आके तुम्हारी नौकरी खा जाएगा ओके सो आवर सर्वर इज अ सर्वर इन जापान आवर सर्वर इज अ सर्वर इन पाकिस्तान ओके सो हूएवर नीड्स आवर सर्विसेज वी आर देयर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है uh, 2024 के अंदर वी हैव टू जनरेट थाउजेंड जॉब अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ ट्रू एसेंस टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस

15 years before okay to understand what happened in the background uh, so first of all i'm not a graduate i have to i have to i have to start from this okay i i was always struggling with the my basic education was which is school school khatam one matric ki, and it was that time uh jab jada, uh, people were talking about diploma of electro, uh, associate engineering da short form known as da so <coughs> i don't know why i started it but i know i finished it okay so uh, to explain that you know every industry every company ये देखा है सो so, उस टाइम के ऊपर माई एल्डर ब्रदर ही स्टार्टेड डूइंग डी ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो कहते ना बड़े भैया ने किया था तो मैं भी करूँगा ओके सो दैट वॉज द ओनली चॉइस आई हैड आई स्टार्ट डूइंग डी एंड आई फिनिश्ड इट कुछ समझ नहीं आई यस yes. और ये हर हर दूसरे बच्चे की स्टोरी है आज इवन आजकल भी आजकल बैचलर्स हाँ engineering भी। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया इट्स स्टिल देयर

Achha, 2007 अच्छा, 2007 की बात है अगर आप अपने सोशल सर्कल में बताओ लेकिन पागल बना रहा ऐसा कुछ भी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का नाम hmm. ये तो वही है ना जो uh, जिसकी विंडो होती है हमारे PC में pirated. इसका कह रहा है कह रहा है यस 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 इससे और कुछ नहीं हो रहा ओके सो अगेन इट वॉज अ स्ट्रीट कॉर्नर टॉक विद वन ऑफ कज़न एंड ही सेट वाई डोंट यू ट्राई सर्टिफिकेशन मैं कहा वो क्या होती हैं उसने कहा माइक्रोसॉफ्ट सिस्को इनके कुछ प्री डिफाइंड कोर्सेज हैं सो मैं तो कोर्सेज हुए ना mm -hmm. कहते हैं नो 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 सो ही करेक्टेड मी आज भी लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज में कन्फ्यूज हैं ओके mm सो -hmm. okay? so, <laughs> He said, "Why don't you search for it?" I did my research, ki. and uh, uh, I said, "Okay, let's give it a try." So, before this, you highlight, training courses or certification? What are differences? Okay. It is again simple and same, but it is again difficult and different. Okay. Okay. इट्स सिंपल एंड सेम बट इट्स डिफिकल्ट एंड डिफरेंट अंटिल सम वन ट्राइज जिसने ट्राई नहीं ना किया mm -hmm. okay, इसके लिए सेम है सो वंस यू ट्राई इट यू गेट टू नो द डिफरेंस सो मैं इसको फिर भी समझा देता हूँ आई एम नॉट रनिंग अवे ऑफ दिस क्वेश्चन सो ये सो एनी थिंग विच इज प्री डिफाइंड बाय अथॉरिटी

वेरी हाई पासिंग क्राइटेरिया एटी परसेंट प्लस इज़ पास लेक्चर तो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी होता है ओके सो दैट इज़ अगेन आ लेक्चर जो कि आपको किसी क्लास में बैठ कर लेना पड़ता है मैं न थोड़ा सा अभी भी टू थाउजेंड में हूँ hmm. मैं ये आ, आज के दौर में नहीं आज जहाँ पर यूट्यूब है ठीक है सो so, मैं अभी भी इस एग्जाम्पल को वहीं पर रख रहा हूँ जहाँ पर अभी जो है ना सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पर इंटरनेट के ऊपर इतना अभी मटीरियल मौजूद नहीं है सो समथिंग विच इज़ डिलीवर्ड बाई अंस्ट्रक्टर ओके दैन इट इज एंड अगेन ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज के अंदर भी प्री डिफाइंड जो है ना वो कोर्सेज या उनका ब्लू प्रिंट नहीं होता है सो mm -hmm. so, होता तो उनका भी है mm -hmm. लेकिन दीज आर दो ट्रेनिंग्स विच हैज सम रियल सेंस रियल सेंस का मतलब ये है कि जब मैं बचपन में स्कूल में काइनेटिक थोरी पढ़ रहा था सो so, उस स्कूल के अंदर क्या था कि एक टीचर क्लास में आता है वो कहता है सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें ओके और एक बच्चा खड़ा होकर उसको पढ़ाए उसको सबको सुनाए और वो टीचर उसी डायग्राम को ब्लैक बोर्ड के ऊपर बना देता था और वो काइनेटिक थ्योरी हमने टॉपिक कवर मैं कहता था मुझे दिखाओ वो कहते थे बाद इस क्लास से बाहर निकलो ठीक <laughs> है तो ये जो सर्टिफिकेशन इट अगेन इट्स अ लेक्चर that uh, that, uh, that involves a classroom mm -hmm. that needs a teacher that mm -hmm. again needs a whiteboard mm -hmm. okay but uski practice ki okay something which you hear in your ear okay see from your eyes then practice it from your hands okay and then when you go for exam.

सो so, इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप देख कुछ रहे हो आप सुन कुछ हो रहे हो ठीक है और एग्जाम में वो आ, आता भी नहीं है सो दैट इज़ फॉर मी अ सर्टिफिकेशन सो दैट वॉज अ टाइम जब ऑनलाइन कॉन्टेंट अवेलेबल नहीं था तो आई डिड माई रिसर्च अगेन गोइंग बैक टू दैट स्ट्रीट कॉर्नर टॉक और uh, आई बिलोंग्स टू गुजराव ओके सो वहाँ पे एक इंस्टिट्यूट था जहाँ पे देर वॉज सम वेरी एसोसिएट लेवल ट्रेनिंग्स वर अवेलेबल सो आई अटेंडिड दैट एंड द फर्स्ट डे वैन आई वेंट देयर आई ओपनर ओके दैट वॉज एक्चुअली जहाँ पे इफ यू रिलेटेड विद लिमिटलेस मूवी ओके ही टुक द पिल एंड देन ट इज़ दिस दिस इज़ समथिंग न्यू सब कुछ वही था hmm. वो एंड ही वॉज अ सेम पर्सन दैट वॉज अ सेम सराउंडिंग्स बट ही हैड अ आई ओपनर ओके मुझे अपनी लिमिटलैस वाली फीलिंग ट्रिगर हुई थी जब मैंने फर्स्ट डे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठ कर लेक्चर लिया hmm. मैंने कहा बॉस ये क्या है वट इज़ हैपनिंग वो जो बोल रहा है मैं वो ही सुन रहा हूँ मैं वही देख रहा हूँ और हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सब हो भी रहा आई लव इट वो पहला लेक्चर है और आज का दिन है ना मेड फॉर इच अदर ओके सो यस मेरा स्टार्ट वहां से हुआ एंड देर वॉज देन नो स्टॉप फॉर मी लेकिन अगेन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड जो है आपके पास इंस्टीट्यूट की थी और वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के अंदर भी देन देर वॉज अ लिमिट टू गो देर आई कम्पलीटेड माई एसोसिएट फर्स्ट ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने की देट वॉज नोन एज एम सी एस ई और उसके बाद फिर मुझे अला तलीम के लिए कहीं और जाना था ओके सो आई हैड टू ऑप्शन इस्लाम आबाद लाहौर आई पिक इस्लाबाद देर इज़ एनदर रीजन मेरी बेसिक स्कूलिंग भी इस्लामाबाद की है अच्छा तो ये मैं आई मैं आईसीबी से पढ़ा हुआ ठीक ठीक ओके सो अगर हम उसको डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत दे दे बहुत लम्बी हो जाएगी ओके सो मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद था सो अगेन नो नो फैंस ठीक है uh, आज हम लाहौर में बैठे हुए ठीक है और येस आई लाइक इट ऑल्सो लेकिन उस टाइम पर मुझे इस्लामाबाद जाना था देन आई मूव टू इस्लामाबाद दैन देर इज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर मैंने अपने आप को इन रोल किया सो आई नाउ इनरोल माई सेल्फ इन टू सिस्को सर्टिफिकेशन आई टेंड इन माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज दैट टॉट मी मोर ऑफ थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू लैंड दैट इज़ नोन एज लोकल एरिया नेटवर्किंग ठीक वट गोज़ थ्रू अ पी सी एक सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग uh, सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है दो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पीसीज को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है तो दैट इज मोर ऑफ अ लैन लेकिन उसी बीच में जब मैं अपनी साथ साथ रिसर्च कर रहा था mm -hmm. तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस अब मुझे लैन हो गया था मुझे वैन पड़ना था वाइड एरिया नेटवर्किंग

सो आई देन मूव इन टू दीज वाइड एरिया नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन्स ओके लेकिन उस वो जब मैं ट्रेनिंग्स उन ट्रेनिंग्स में गया ना सो वहाँ पर एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट हुआ जहाँ पे इट ट्रिगर्ड माई इनर सलमान ठीक है कुछ थोड़ा सा हूँ मैं जिद्दी हूँ ओके mm -hmm. okay. अब लेक्चर क्या हो रहा है वो द मोमेंट जू गॉड द इंटरेस्ट इन द लेक्चर ओके एंड द सेम मोमेंट इंस्ट्रक्टर सेट ओके इन दिस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ये वाला टॉपिक हम यहीं तक पढ़ाएंगे इससे आगे भी बहुत कुछ है वो आपको अगली ट्रेनिंग में इनरोल होना पड़ेगा एंड आई वॉज लाइक वाट और भी है ओके दे वी गो कौन सी अगली सर्टिफिकेशन है इसका अगला वर्जन इसका चैप्टर टू क्या होगा इसका फेज टू क्या होगा उसमें क्या पढ़ाया जाएगा दैट एक्चुअली ट्रीगर्ड मी ओके आप अगली ट्रेनिंग में जाओ सो इन सर्टिफिकेस देर आरवेज थ्री लेवल्स एसोसिएट प्रोफेशनल एक्सपर्ट ओके सो दो डेज आई वॉज इन एसोसिएट लेवल ओके एंड प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाके फिर उसको और डीपली पढ़ाया जाता Same topic. So, so certifications के के है सेम टॉपिक सो सो सर्टिफिकेश के अंदर क्या है लेवल्स आर डिफरेंट बट यू स्टार्ट विद द टॉपिक which actually ends up that doesn't mean it 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 is dead okay, okay. so uh, uh, uska phir professional uh, usko professional level pe ja ke padhaya jayega usi topic ko then expert level pe ja ke padhaya jayega theek hai so kitna time lagta hai ek bande ko bilkul start se leke expert pahunchne mein for one niche ke liye मैं आ, uh, अपना honest version दूं या uh, training institutes इंस्टीट्यूट्स वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाला और अपना भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अच्छा चले यू वांट टू गो इन दैट स्ट्रीट नहीं यू आर नॉट ओके लेट्स गो लेट्स गो मैन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो बॉस आपको 6 महीने में वो खीर वो खीरा से हीरा बना देते ठीक ठीक है बिकॉज अगेन देर आर सम लाइट एरियाज बट देर आर सम डार्क एरियाज

और आज मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहूँगा ठीक है यू हैव टू गो टू ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स मैं hmm. उस दौर की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट पे कंटेंट नहीं अवेलेबल था hmm. आज आपको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है ओके एंड आई बिलीव अगर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसने अपनी यूनिवर्सिटी से फोर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया देन कॉलेज भी कम्प्लीट किया दैन स्कूल भी कम्प्लीट किया hmm. उसको सिर्फ एक अच्छा मशवरा चाहिए और उसके हाथ में अगर स्मार्टफोन है देन ही शी मस्ट बी स्मार्ट टू सर्च अगर आपको आज के दौर में पता चलता है देर इज अ वायरल वीडियो गोइंग ऑन ठीक है और आप उसको सर्च कर सकते हो बिल्कुल ठीक है एंड आपके पास कितने तरीके हैं उसको उस वीडियो को देखने के

Experience in that that. field, we can discuss a lot on that. So, anyways, just continue. so okay, so अभी वो वाला टाइम था कि जब मुझे मुझे चीजें समझ आने लगनी थी आई डूइंग प्रैक्टिस कुछ सिमुलेटर्स होते हैं इन टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अंदर सो एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दीज दैट आपको कोई लैब इन्वायरमेंट नहीं चाहिए लाइक यू आर यू आर यू आर स्टिंग जोलॉजी आपको एक जोलॉजी की एक लैब चाहिए ओके okay? okay. आपको एक वो इंस्टीट्यूट होगा उसके अंदर एक रूम होगा उसके अंदर देन देर विल भी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं इनका ये है कि यू देर आर मल्टीपल सिमुलेटर्स अवेलेबल सो दैट दैट टाइम एंड टिल डेड दैट इज़ अवेलेबल पैकेट ट्रेसर एक होता था सिमुलेटर दैन mm -hmm. उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दी देन mm -hmm. जब uh, वो वाला uh, जोन आया कि नहीं अब आपको यही टॉपिक एक और सर्टिफिकेशन में प्रोफेशनल लेवल पर जा करना देन देर वॉज अ जी जिसको जी एन थ्री कहते थे uh, वो अवेलेबल था uh, लेकिन फिर अगेन पैकेट ट्रेसर वॉज यू वर एबल टू इंस्टॉल इट मशीन जो आई हैड लेकिन चैलेंज uh, वहीं पे था अब जी एन एस को इंस्टॉल करना यू नीड अ बेटर मशीन ओके सो यस टू अचीव समथिंग यू नीड टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर दैट तो वो यस अपने एंड की तो प्रिपरेशन चाहिए होती ना सो जी एन एस के ऊपर प्रैक्टिस की सो so, अभी वो वाला टाइम आ चुका था अब हम 2010 में आ गए ठीक है ओके okay. सो so, अब हमने uh, मैं आपको साथ साथ टाइमलाइन में बताता रहूँगा आई सेट मुझे समझ भी आ गई ये टॉपिक्स ही लेकिन स्टिल आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हाउ आई विल गेट द आंसर्स इट आई फाइंड इट आउट टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बिल्कुल ठीक है देन उसी इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने बैकअप लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर करने की एक दफ़ा की जो आप पढ़ रहे थे वही चीज़ें आप दोबारा डिलीवर कर रहे थे यस yes, उसमें क्या होता है कि यू विल भी अप्रोच बाई ग्रुप ऑफ फ्रेशर्स ठीक है क्योंकि बिकॉज uh, 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 मैंने पहले uh, अच्छा इस टाइम पे मैंने इंटर्नशिप ही शुरू कर दी हुई थी ओके सो दे अप्रोच यू ओके कैन यू प्लीज लेटर्स नो हमने ये टॉपिक रिवाइज करना है Then, first time somebody approached me, दो तीन लोगों का okay, hmm. रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन थे ना उनको डिलीवर करते हुए वो क्लियर हो गए ठीक ओके बिकॉज दे आस्क मी समर क्वेश्चन ठीक है दैट कवर्ड माई ओन क्वेश्चन ठीक वो दिन खत्म ओके दिस इज़ द डायरेक्शन आई कैन टेक सो अब मैंने जो जोन सी ट्रेनिंग्स मैंने कर ली हुई थी मैंने उन्हीं को ही ग्रुप्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया ओके एंड वन फाइन डे आई गॉट अ चांस टू डिलीवर वन टॉपिक टू अ फुली फंक्शनल फुली क्राउडेड क्लास ओके कितनी देर बाद आपके इस कॉन्सेप्ट या इस प्लान के टीचिंग आपने शुरू की एक महीने बाद नो माई टीचिंग स्टार्टेड विद द विद इंसीडेंट और आपको सो इट वॉज जो प्राइमरी uh, इंस्ट्रक्टर थे ही वॉज ही वॉज अनएबल टू मेक इट टू अटेंड द क्लास उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा बिकॉज आई वॉज एंटरिंग वाई डोंट यू स्टार्ट इट एंड देन आई विल जॉइन ओके एंड अब मैंने एक फुली क्राउडिड क्लास को एक लेक्चर डिलीवर किया एंड mm -hmm. वो पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता रहा था उसके कुछ जी वो हमने डिस्कस करेंगे जी, लेकिन वो भी एक बड़ा मज़े का मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा ओके okay? ले, बट लेकिन अगेन दैट गेव मी मोर विंग्स ओके आई सेड यस देन इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे देन इट हैपन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड और जो है uh, मैंने पहले जो देख रहा था सुन रहा था प्रैक्टिस कर रहा था अब वो मैंने डिलीवर करना शुरू कर दिया और अब हम बात कर रहे हैं 2011 की अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे मैंने देन आई जम्प इनटू सम अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एडवांस ट्रेनिंग्स भी कर रहे थे वन क्वेश्चन so उस टाइम आई गेस कि उस टाइम भी ट्रेनिंग में नहीं थी इतनी आजकल हैं और टाइम गोल फॉर एवरी स्टूडेंट तो आपके ट्रेनिंग में कौन से लोग आते थे उस टाइम स्टूडेंट्स जो बैचलर्स करके आ रहे थे या जो एफ एस सी करके आ रहे थे इंटरमीडिएट या कोई और तरह के फील्ड से लोग नॉट जस्ट दूडेंट्स आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्राम अदर कंट्रीज़ जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे थे वो अपनी वेकेशनस के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में आके उन्हीं क्लासेज में बैठे होते थे जो मुझसे भी एज में बड़े होते थे और वो मैं देखता था ना ओके आई यूज़ टू ask दैम कि मतलब आप क्या जॉब कर रहे हो यार अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ that uh, give दैट इज़ एक्चुअली एट दिस लेवल ऑफ एज ए इंजीनियर मैं इस लेवल पर मुझे इस लेवल पर जाना है तो अब मैं ये वाली ट्रेनिंग करने आया हूँ मैंने ये वाला भी फ्लेवर देखा हुआ है कि यार ओके okay, लो अच्छा उस टाइम पे ना देखो जिस टाइम पे हमारे पास इतना आ, इंटरनेट के ऊपर कंटेंट नहीं अवेलेबल था तो हम हमारे लिए इर्द गिर्द के लो कंटेंट थे मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी का बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के भी बच्चे को देख रहा हूँ ठीक है मैं वहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन सॉरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए को भी देख रहा हूँ वहाँ पर ठीक है जिसको अब जॉब नहीं मिल रही है लेकिन वो कह रहा है कि सर्टिफिकेशन करके मैं जाऊँगा मैं वहाँ पर एक ऑलरेडी जॉब करने वाले को भी देख रहा हूँ जो कि सुबह जॉब कर रहा है और शाम को आके क्लास अटेंड कर रहा है मैं वहीं पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी देख रहा हूँ जो कि पाकिस्तान यहाँ पे छुट्टियाँ लेके अपने घर आया हुआ है और लेकिन उसका घर है लेट्स से मुल्तान में ओके और वो इस्लाम के अंदर मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है ठीक ओके सो देखो हमारे लिए उस टाइम पे ना पीपल अराउंड अस दे वर द कॉन्टेंट बिल्कुल सो हमें यहाँ से एक्सपोजर मिल रहा था उस टाइम पर टाइम था यस तो मतलब उसे यहाँ से पता चल रहा था आपको किसी भी स्टेज के ऊपर जाके लर्निंग आपकी नहीं ख़त्म होने वाली है नॉर्मली क्या होता है कि मतलब वो कहते हैं कि फर्स्ट यू स्टार्ट विद लर्निंग देन देन रिमूव द एल इट बिकम्स अर्निंग ओके नहीं 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 अर्निंग जब स्टार्ट हो जाती लर्निंग है लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ती है ट्रू दैट इज ट्रू तो उस टाइम के ऊपर मुझे ये भी देखने को मिल रहा था सो so, मुझे अपने आप को समझने के लिए समझाने के लिए ये मल्टीपल टाइप ऑफ लोगों से जब मेरी इंट्रैक्शन हो रही थी तो मेरा अपना माइंड डिवेलप हो रहा था मुझे ये फील्ड अच्छी लग तो गई है मुझे ये समझ आ तो गई है अब इस फील्ड में हर स्टेज के ऊपर मुझे इसी क्लास में इस तरफ आके बैठना है ठीक है जहाँ पे सो यू नो इज मेरी एक अपनी पर्सनल फाइंडिंग है इट इज़ वेरी इजी टू फेस द वाइट बोर्ड बट इट इज सो हार्ड ठीक है टू जो होता है ना आप उसकी तरफ बैक करके खड़े हो, सो so, आप उस टाइम डिलीवर कर रहे होते हो बिल्कुल इट इज़ सो इजी टू दैट यार नहीं इसके लेक्चर की समझ नहीं आई आओ ना जरा इस तरफ आओ ना तुम <laughs> दो सवाल मैं पूछता हूँ <laughs> तो लेकिन मैंने बोथ साइड ऑफ द पिक्चर ठीक है मुझे बहुत मजा आया हुआ दोनों साइड पे. ठीक तो देन अब मैंने टीचिंग भी कर ली वाट नेक्स्ट अब मुझे ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर होता हुआ देखना अच्छा वन थिंग आपने 2008 से लेकर 11 बारह तक ट्रेनिंग्स की ली हैं और फिर टीचिंग भी की है yes, तो दैट मेड यू ऑफ सफिशेंट आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा आ गई रिगार्डिंग थिंग्स रिगार्डिंग्स मेरा वही क्वेश्चन था पहले भी कि एक बच्चे को अगर आज मैं स्पोज करता हूँ प्लान के मैंने ट्रेनिंग्स देनी है तो मुझे एक किसी स्पेसिफिक नीच के अंदर प्रोफेशनल बनने में कितनी देर लगती है प्रैक्टिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस yes, अब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं अब हम इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे हैं mm -hmm. यार मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी दोनों साइड की एजुकेशन को प्रॉपरली लेकर चलो अच्छा ठीक ओके पैरेलल एंड प्रॉपर ठीक ओके इट हैज टू बी पैरेलल ओके किस तरह से आपको बिटवीन सेमेस्टर्स यू गेट अ ब्रेक ठीक है कितने कितने टाइम दिनों की छुट्टियाँ होती हैं मंथ्स और वीक्स डिफरेंट इन ठीक है ठीक uh, है, है. है ये वो टाइम है जब आपको इंस्टीट्यूट्स में इनरोल होना है ठीक हो गया या आपको और इन अदर वर्ड्स आपको ऑनलाइन जाना है ठीक ठीक है, थीक है? थीक आपको एक्टिव पैसिव लर्निंग दोनों इकट्ठी लेके चलनी है ठीक ओके सो एक तरफ आपको जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो आप जिस जहाँ पे आप अपनी आ, आप उसे क्या कहते हो कन्वेंशनल एजुकेशन या आप वो अटेंड कर रहे हो okay? ओके उस ब्रेक के बीच में आपको दूसरी जो है ना लर्निंग करनी पड़ेगी बिकॉज आज के दौर के अंदर यू हैव टू हैव बोथ ऑफ द थिंग्स दैट इज पॉइंट मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि ग्रेजुएशन क्यों नहीं करनी चाहिए ठीक है मैंने नहीं की हुई है दैट डजन मीन कोई भी नहीं करेगा True. नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा ओके बिल्कुल के बेनिफिट्स हैं आई एग्री विद द सिस्टम या चले आपके लिए डिग्री का फायदा ना हो दैट दट डिफरेंट डिबेट पर एक एक्सपोजर सोशल लर्निंग दैट इज समथिंग यूनिवर्सिटी गिव्स यार me. और कुछ नहीं ना ठीक है टुडे आई एम रनिंग अ कंपनी ठीक <laughs> है और मैं सबसे पहले जो है ना सबसे पहले नहीं ओके वन ऑफ माई पॉइंट टू चेक जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ किसी का या चार साल आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना दैट टेल्स मी वन थिंग ओके यू कैन फॉलो आ आप एक जो है ना एक रूटीन फॉलो कर सकते हो ओके जॉब जॉब करना और आ, कहीं पे जाके एजुकेशन हासिल करना ठीक है हुँ. आप एक रूटीन को नहीं फॉलो कर सकते हो ओके okay? मेरे मुझ, म, वो तो मतलब वो ब्लैक पॉइंट एंड ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं मेरे ओके सो इट्स अ ब्राउनी पॉइंट टू मी ओके मुझे पता लग जाता है ये बंदा एक जो है ना रूटीन फॉलो कर रहा है ठीक सो so, हाँ हा, मतलब वन ऑफ द बेनिफिट ठीक है ऑल द बेनिफिट्स में से वन ऑफ द बेनिफिट सो ब्रेक्स बिटवीन योर सेमेस्टर्स इज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस साइड ठीक है वाई यू हैव टू complete one and then start the other hmm. that is the question they both can go parallel true okay theek hai balki aajkal chal bhi raha hai ki aap azuri ne ki aap matlab institute pe jo aap online le sakte ho and i see a lot of people jo हाँ. classes ke baad हाँ. they are taking online lectures and learning strategies. there are a lot right. but there there the all are not there मेरा मेरा पॉइंट ये है ठीक है लॉट एंड ऑल में फर्क है Yes, यार. yes, exactly. थीके? तो और और पैरेलल आप जब करोगे तो आपको दोनों साइड के ऊपर आपका एक, आपका जो जो ना विजन होगा ठीक है वो, वो लिमिटलेस वाली मैंने चीज की थी ना वो हर बच्चे के साथ हो सकती है मेरे साथ ही नहीं हुई थी वो हर एक के साथ हो सकती है तो जरूरी नहीं उसके लिए पिल हो लेकिन उसके लिए विल हो पिल विल ठीक है सो यस तो न यू कैन हैव द बोथ ट्रैक्स पैरल आप देखो ना चार साल लगते हैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने में बिल्कुल चार साल में कितने ब्रेक्स होते हैं अगर आप तीन भी दे के लगाए तो चार ब्रेक्स कर लिए तीन ब्रेक्स कर लिए ग्रेजुएट हाँ। होते हैं। और दो वीक सी भी लगाए उसके साथ तो चार वो हो गई गिव मी टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इट्स मोर देन वन ईयर के लिए बारह महीने

जॉब सेमिनार्स तक मैं गया हुआ हूँ सो देर आई कंडक्टेड अ सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स जिसके अंदर था इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन वर्सेस वर्स इज यू देर इज इंडस्ट्री ये दोनों कैसे आपस में दे बोथ विल मीट, सो आज अगेन हम जिस दौर में uh, ये सर्टिफिकेशन कर रहे थे सो so, आपको एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन जो है ना एक व्हाइट कलर जॉब दिलवा देती थी ठीक नो फॉर टुडे ओके सॉरी लेकिन जिसका भी इंटरेस्ट बन रहा था मैं दो तीन सर्टिफिकेशन करके आई कैन बी नो आज आपको एटलीस्ट देखो आईटी आईटी को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा किसी भी वर्ड को फॉर्म करने के लिए दो मिनिमम दो अल्फाबेट्स का जुड़ना बहुत जरूरी है ओके मिनिमम टू एल्फाब सो आई जो है वो आई एंड टी को मिला के सबसे छोटा वर्ड है ठीक है लेकिन बहुत सबसे बड़ी फील्ड है ओके, okay? अब मैं इसको अगर यहाँ पे डायसेक करने जाऊंगा okay? नहीं no. हाँ three, हमें days, हमें days. वो एक जो रोगन वाली करनी पड़ेगी ओके, <laughs> <दुछ। Okay>? <laughs> so, लेकिन कहने की बात यह कि आज लोग कहते हैं मैंने आई में जॉब करनी है ओके okay? mm -hmm. करना क्या है वो ये बारह महीने में आपको पता लग जाएगा वेयर यू वॉन्ट टू गो आपको ना मल्टीपल फ्लेवर्स ट्राई करना जैसे मैं अपना कह रहा हूं दैट mm -hmm. uh, mm -hmm. so आप देखो जैसे आज हर बंदा कहता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी इट गोज डाउन देन देर आर सो मैनी रोड्स ओके सो आपको ये ट्वेल्व uh, मंथ्स जो आप अपने ऊपर लगाओगे ना तो ये चार साल जब आपके कंप्लीट हो रहे हैं आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा मुझे आईटी में कौन सी डोमेन की कौन सी टाइप की फील्ड जो है जिसमें मेरा वाव एरिया दैट इज देखो आपको इधर यू पिक एंड चूज और इट्स अ ऑटोमेटेड मूवमेंट फॉर यू इट आफ्टर ग्रेजुएशन इट्स अ वाओ एरिया और इट्स अ नाव मूवमेंट नाओ आई हैव टू स्टार्ट और अदर एंड आपको पता लग जाएगा आपको कहाँ पे जाना है सो अगेन देखो ये हर हर बच्चे पे डिपेंड करता है वो अपने आप को एक दफ़ा ट्राई करके कर देखे ठीक है वो ट्राई मल्टीपल थिंग्स मैं ये बस नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो बस वर्ड्स के पीछे नहीं जाओ यार ठीक है, है? ब्लॉक चेन है तो हर कोई ब्लॉक चेन की तरफ जा रहा है क्रिप्टो है तो हर कोई क्रिप्टो की पीछे बहुत थिंग्स आर बाय द वे सेम लेकिन सिंस आई एम फ्रॉम सिक्योरिटी हमारी हमारी जुबान में क्रिप्टो वैसे कुछ और भी है ओके okay. no. <laughs> so, so इससे पहले के पीपल स्टार्ट बैशिंग मी इन और क्रिप्टो सेम होती ओके ठीक आई नो डोंट टीच अ टीचर सो आप जो मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा आपको किस में प्रस्यू करना है सो एसोसिएट लेवल के भी के ऊपर मल्टीपल फील्ड्स हैं ठीक गिविंग यू एग्जांपल नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आज वायरलेस भी काउंट होता है सो so, देखो बैक इन दोस डेज लोकल एरिया नेटवर्किंग वाज केबल कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके दोस डेज वायरलेस वाज अ लग्जरी बॉस मेरे घर में वायरलेस है ठीक है अच्छा तो तुम्हारे पास वायरलेस लैपटॉप भी है यू नो सो 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 वो 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 वाला टाइम था यू कैन फ्लेक्स योरसेल्फ टुडे वायरलेस हैज बिकम अ बिल्कुल ओके So yeah. आज जिस भी कम, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल से रिलेट कर सकता हूं ओके sure, हिरो sure. okay. आज अगर आपको किसी भी कंपनी uh, के अंदर uh, अगर ये वाला नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एरिया है आपको इस एरिया के अंदर अगर जॉब चाहिए अभी मैं सॉरी मैं ना सॉफ्टवेयर वाली साइड पे अभी नहीं जा रहा हूं इसको हम आगे लेके चलेंगे सो लेट्स जस्ट हैव एग्जांपल ऑफ 50 पीपल इन ऑफिस 50 लोग बैठे हुए पचास के लैपटॉप्स होंगे देर विल भी फिफ्टी लैपटॉप्स मिनिमम सबको एक केबल से कनेक्ट करना है ठीक hmm. है सो देर विल भी अ लैंड कनेक्टिविटी सो उसके लिए एक स्विच चाहिए होगा सो दैट मीन्स द गाय शुड नो अ लोकल एरिया नेटवर्किंग हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल मशीन्स ऑन अ स्विच लेकिन अब उसी वहीं पर एक मीटिंग रूम भी होगा hmm. उसी ऑफिस में सो पीपल हैीपल है देर केबल एंड Uh, uh, वो मोबिलिटी है ना आजकल सो यू आर नॉट स्टैटिक एंड स्टिक टू योर सीट सो उसमें क्या होगा कि आपको मीटिंग रूम में जाना है दैन वहाँ पर वाईफाई होगा सो so अब लोकल एरिया नेटवर्किंग के अंदर आपको केबल और वायरल दोनों आने चाहिए बिल्कुल ओके दैन उसी ऑफिस का एक और ब्रांच होगी दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी में सो दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर मल्टीपल मीन्स ओके सो दैट कम्स वाइड एरिया नेटवर्किंग सो लोकल एरिया नेटवर्किंग वाइड एरिया नेटवर्किंग सो यू शुड नो हाउ टू मेक टू ऑफिस कम्युनिकेट विध इच अदर ओके आपका फाइल शेयरिंग सर्वर एक ऑफिस में पड़ा हुआ है आपको वहाँ से एक्सेस करना है तो ओके सो दोनों साइड पर लैन भी है और बीच में वैन है सो यहाँ वायरलेस भी है ओके सो कंपनी ये नहीं चाहेगी यार आज के दौर के अंदर कि मेरे पास तीन बंदे हों एक वाई फाई एक लैन और एक वैन नो दे आर लुकिंग फॉर वन गाई क्लोज अब yes. देखो अब बेसिक लेवल हाँ अभी 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 यहाँ पे सिक्योरिटी भी आ रही है अब क्योंकि सब कुछ इंटरनेट के ऊपर आ गया हुआ है ओके सो द सेम गाय शुड नो ये एडवांस लेवल नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटी तो उसमें कुछ एडवांस नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अभी मैं तीनों के बेसिक लेवल के ऊपर हूँ एसोसिएट लेवल पे सो so, आपको सिक्योरिटी का भी एसोसिएट लेवल आना चाहिए आपको लैन वैन का भी एसोसिएट लेवल आना चाहिए आपको वायरलेस का भी आना चाहिए लेकिन बॉस आजकल तो आई फोन्स भी होते हैं इंटरेस्टिंग hmm, hmm. बनाते हैं इसको सो hmm. so, इसका मतलब ये है कि यार जहाँ पे तुम इतना कुछ कर रहे हो तुम एसोसिएट लेवल के आईपी पी टेलीफोन भी क्यों नहीं कर लेते हो ठीक hmm. बोलो देखो डिमांड करने वाला तो यही बात जहाँ पे तीन okay. चीज़ें कर ली चौथी भी कर लो ठीक ओके फाइन कर लेते हो और देर इज़ नो अदर ऑप्शन नहीं पाँचवीं भी आएगी अच्छा ठीक है थीक. जब आप इतना कुछ दे देते हो ना देखो आपने जॉब 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 एप्लीकेशंस आप देखते हो एंड पे लिखा होता है है जिसके पास बॉस वो तो नौकरी खा ना आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ देर विल बी योर जॉब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ठीक और कितनी गलत बोल रहा हूं लेकिन आई बिलीव इट बिल्कुल नहीं। That is true. आप अपनी लर्निंग नहीं अपग्रेड कर रहे तो बॉस कोई तो घर में बैठा हुआ है ओके okay, कल को आके तुम्हारी नौकरी खा जाएगा बिल्कुल तो इसको कहते हैं कि अगर आप अपने सर्कल ऑफ ईज के अंदर चले जाओगे तो एक डे आएगा एक दिन आएगा, आएगा आप टीज हो गए <laughs> सो इट्स अचर्नी वो जो मैं बता रहा था ना मैं, मैं जब अपने बिल्कुल बेसिक डेज में था लर्निंग डेज में था तो मैं मल्टीपल पीपल को मल्टीपल सेट ऑफ पीपल्स को देख रहा था हमारे लिए तो लोग उस टाइम कॉन्टेंट थे ना यार एक जॉब करने वाला भी आ रहा है सुबह जॉब करता है शाम को इधर क्लास अटेंड कर रहा है इसका मतलब है यस ओके जो वेकेशन ले कर पाकिस्तान आया हुआ है वो भी ट्रेनिंग करने बैठा हुआ है अच्छा फिर हमने उसके अंदर भी एक थोड़ा सा एक और स्पेशल ब्रीड देखी हुई है नॉर्मली ये वाली होती हैं एसोसिएट लेवल की दो से तीन महीने के अंदर, okay, so एक, एक एक अंदर तो 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 तुम्हारे बारह महीने की मैंने ब्रेक को इसलिए तो कहा है कम अज कम चार पांच सौ ट्रेनिंग करोगे आपको एक ही एरिया wow लगता है आपकी पहले ही एरिया की ट्रेनिंग जो आप पिक करते हो दैट इज योर वाव एरिया गो परस्यू इट ठीक है लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को नहीं भूलना है बॉस वहां पर आज के दौर के अंदर मेरे सामने अगर एक सीवी पड़ी हो और वो बंदा कहे आई एम द डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं आई एम द डॉक्टर ऑफ विंडोज नाइनटी फाइव नहीं चाहिए नहीं चाहिए <laughs> ठीक है सो so, आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पे आती exactly. है बिल्कुल और उसको लेके वी हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट एरिया एज वेल बिफोर वी बिकम अ कंपनी सो अभी मैं कंपनी की तरफ इसलिए नहीं आ रहा हूँ बिकॉज बिफोर जी we, मतलब इससे पहले बहुत कुछ हो चुका हुआ है एग्जैक्टली अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं इस तरफ के आ, आई मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आज के दौर के अंदर एक बच्चे को मल्टीपल ट्रेनिंग्स क्यों चाहिए। ओके, चाहिए। okay, चलो थोड़ा सा कोडिंग को भी छेड़ लेते हैं यहाँ पे ओके okay, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है ओके okay, आपको सिर्फ जो है ना सिंगल लैंग्वेज पे तो नहीं आप जाने वाले ओके मी थ्री लैंग्वेजेस पाइथल लेकिन आज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता लेकिन उनको थोड़ा सा क्लाउड पे भी काम आना चाहिए बिल्कुल ठीक है एंड क्लाउड अगेन गाइस मैं सिंपल कर दूं क्लाउड इज एन फिजिकल मशीन दैट यू कैन नॉट सी कंफ्यूज ना हुआ करो ठीक है क्लाउड क्या होता है यार वो भी एक फिजिकल मशीन है जो किसी की फैसिलिटी में है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ठीक है वो एग्जिस्ट करती है सो <laughs> यस <जी। laughs> so, yes, देखो सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स के लिए भी आज जिंदगी आसान नहीं है ओके सो okay? so उनके भी एरिया के अंदर उनको ऑटोमेशन आनी चाहिए hmm. आज देखो आज मैनुअल कोड का दौर नहीं है True. ठीक है मैनुअल आप yeah. 300 लाइंस नहीं लिखते हो ठीक है आपके फिर देन देर इज क्वालिटी ओके सो आपको आपको अपने को आप यू है

in a right way ji ji that can be our example can, yeah. continue, can you get it that nahi dekho na aap you are you are a fan of tom cruise aapne hmm. hmm. mission hmm. impossible 1 to nahi dekhe fan ho gaye aur aapne wahi to nahi na bas kar di hui okay aapne uski multiple movies dekhi hongi na you have seen his journey you have seen hmm. how uh, how mature uh, he he has become in his hmm. acting सेम गोज टू योर जॉब एज वेल कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है और आपको अपने आप upgrade अपग्रेड करते रहना करते रहना करते रहना है ठीक है नहीं स्ट्रगल नहीं अपना हीरो ढूंढना है आपने एक बार फिर उसी डायरेक्शन में ढूंढ लेना हां और ये नहीं कि हीरो मैंने वो कहा ना आपका वाओ एरिया exactly. आप, आप आप हो सकता है फर्स्ट ट्रेनिंग से और अगेन 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 डिमांड एंड सप्लाई नहीं बोलना उसके लिए काउंसलिंग ओके काउंसलिंग की तरफ भी हम आते हैं नाउ आफ्टर आई लर्निंग टीचिंग देन पार्शियल प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग्स ओके आई वॉन्टेड स्टेज टू डांस आई डेस्परेटलीम्प्लीमेंट करने के लिए बिकॉज आई यूज टू हेयर वो मैंने इंट्रैक्ट करता था ना लोगों से जो क्लास में अटेंड करने आते थे सो so उसमें बता रहा था दो महीने की ट्रेनिंग सात दिन में करना चाहते हैं और बॉस ये कौन होगा कर लेते हैं हो, हो जाती है और कुछ सीखते हैं बस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स देखो वो वो अपने जॉब करियर में उस स्टेज के ऊपर हैं उनको बॉस एक घंटे की क्लास के लिए नहीं डेली डेली आना ओके okay? पांच दिन में सो so, ट्रेनिंग जो होती है ना वो फोर्टी आवर्स पर मंथ होती है ओके ओके सो वन आवर पर डे ओके सो इस तरह से करके जो है ना कोर्स डिवाइड हुए होते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है उनके पास आ, उनको क्विकली लर्न करना होता है एंड यस दे कैन पे मोर डेज के अंदर आपको जो मिल रहा है ठीक है थीक वो, थीक वो थीक सेम कॉस्ट के ऊपर मिल रहा है सो आई हैव सीन दैट यार ये कौन लोग हैं सात दिन में भी करना चाहते हैं पैसे भी डबल ट्रिपल देना चाहते हैं थीक और वापस जाकर सो कहने की बात यह कि मैंने बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्ट किया है इस पूरे जर्नी के बीच में अब जब उनसे कन्वर्सेशन होती थी वो बताते थे ना ठीक है दुबई आ जाओ नहीं नहीं मतलब हम उस कंट्री से आए हैं आई हैव विद पीपल फ्रॉम यूरोप मैंने यूएसए uh, लोग आए हुए हैं ठीक है अपनी वेकेशन के ऊपर तो डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट एरिया ठीक है लेकिन अगेन बिगर पिक्चर बिगर पिक्चर बिगर पिक्चर तो ओके आई लर्न द डांस आई नीड बिग स्टेज ठीक है हाँ अभी थोड़ा सा जो है ना उसने अभी नहीं अभी भी इतना नहीं है उन एरियाज के अंदर डिमांड काफी बढ़ रही थी बिल्कुल वहाँ से लोग आ रहे थे ओके सो आई मूव टू यू एंड आई लैंडेड इन टू वेरी बिग रिटेल ग्रुप ओके हु दैट कंपनी हैड अ बिजनेस ऑपरेशन इन फाइव जी सी सी कंट्रीज दे हैड हंड्रेड एंड फिफ्टी रिटेल स्टोर दे हैड मल्टीपल वेयर हाउसेज मल्टीपल ब्रांच ऑफिस एंड थाउजेंड ऑफ स्टाफ ओके मैंने पचास यूजर्स के कंपनी के ऊपर आपको बताया ठीक है सो इमेजन इट वॉज थाउजेंड ऑफ पीपल बॉस वो दुनिया ही कुछ और थी ठीक ओके गुजरा वाला से एक बच्चा उठ के इस्लामाबाद जाता है यस इट्स अ डिफरेंस फॉर हिम लेकिन जब जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है उसका आई आज फॉर अ बिग स्टेज आई गॉट अ बिग स्टेज और वो एक होता एक आ, क्या, क्या है ना एक मोमेंट होता है जहाँ पे आके आके पाँव जाम जाते हैं स्टेज पे. ठीक है यू आर आन एबल टू मूव मैक एंड नहीं मिल गया ना अब नाचो ठीक ठीक <laughs> है कितना से नाचे आप? यार uh,

ओके hmm. okay, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी देर इज एनदर साइड विच इज कॉल्ड सर्वर स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे वहां पर नहीं जाना था मुझे अब यहां पर रहना था सो यू नो मैंने कहा कि वाओ एरिया आपको अपना ढूंढना चाहिए hmm. okay. मुझे मिल गया था hmm. और आई वॉज सो रूडली स्टिक टू इट ठीक है कि यस yes, शुरू में काम मिला मुझे टास्क मिलता था मैं कहता था नहीं करूंगा ठीक <laughs> लेकिन उसके पैरेलल जॉन्स हम मेरा वाओ एरिया था यस मैं उसका वाकई में बाकियों से बेहतर काम करता था तो इट वाज अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज अ बिग स्टेज सो 18 मंथ्स के अंदर मैंने मैं वहाँ पे भी बोर हो गया था ठीक है फिर सोचा कि अच्छा कुछ अपना इनिशिएटिव शुरू करने या उसके बाद नहीं 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 अभी अभी हम बहुत पीछे हैं सो देन आई लैंडेड इनटू सेकंड बिगेस्ट रिटेल ग्रुप ऑफ यूए ओके ओके okay. अब जहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं 150 रिटेल स्टोर्स अब 150 ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं ठीक हो गया दुबई गए हो नहीं जाना नहीं भी जाना पाइप नहीं है दुबई सो so, शेख जैद रोड के ऊपर जितनी भी आपकी लग्जरी कार शोरूम्स है ना उसमें फरारी मजराटी जैगवा लिंकन फोर्ड मस्टैंग इनके जितने भी शोरूम्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा हाथ साफ हुआ हुआ अच्छा वा ओके सो आई देन फ्रॉम दिस कंपनी विच वाज अ वेरी ओल्ड एंड बिग रिटेल ग्रुप देन अगेन मेरी सेकंड कंपनी सेकंड बिगेस्ट रिटेल ग्रुप ठीक है अब वहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं ओके दे हैड सो मैनी देट वॉज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज वॉज इन टू रिटेल विच व ऑटोमोबील विच वॉज इन टू रियल इस्टेट और अब मैं लैंड करता हूँ उनके हेड ऑफिस के अंदर ठीक है ओके सो एटीन मंथ्स आई वर्क इन दैट कंपनी नाउ आई मूव टू दिस वन यस अब भूख बढ़ रही थी ठीक ओके okay? और बड़ा स्टेज चाहिए ठीक है इसी में और परफॉर्म करना है hmm. सो so, इस बीच में मैं सिर्फ कंपनीज के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ बॉस मैं जब पिछली अठारह महीने मैंने जिस कंपनी में जॉब किया इन बिटवीन व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग जस्ट टू टेल यू ये वो टाइम था जब मेरी पहली कंपनी थी तब स्मार्टफोन्स आ रहे थे ओके ठीक लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट सेविंग से मेरे पास वो नोकिया का वो दो सिम वाला फ़ोन होता था तो मैं अपने इर्द गिर्द स्मार्टफ़ोन देख रहा था व्हाट्सएप आ गया हुआ था ओके okay. मैं व्हाट्सएप पे ही नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है सो वट आई डिड मैंने अपनी फर्स्ट जॉब के अंदर सबसे पहले आई इन्वेस्टेड इन अ फोर्टीन इंच टैब आई परचेज़ अ फोटीन इंच टैब क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैक एंड फोर्थ इन माई जॉब ठीक है मुझे लेक्चर्स भी अब अटेंड करने हैं

तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्मार्टफोन ही खरीदा हुआ है ठीक है मैं अभी भी डम एंड डल हूँ अपने सर्कल के अंदर कि यार इसके पास आज स्मार्टफोन नहीं है यस बॉस ठीक है ओके है? है। um, okay. आपको चांद तारे फूलो शबन मुबारक हो जो आपने हासिल <laughs> कर लिए ओके आई रियली टू स्पेंड माई टाइम इन टू लर्निंग मोर एंड मोर ओके दैट इज़ अ रीजन 18 महीने में मैंने फाइव टू सिक्स डिफरेंट मोर सर्टिफिकेशन की ठीक है okay? और काम कर रहे ये सर सा है। सासा काम कर रहा हूँ एंड देन आई मूव इन टू एन अदर कंपनी ओके अच्छा इन बिटवीन डोंट आस्क मी फॉर माई सैलरीज दर इज अ स्पेसिफिक रीजन आई विल नॉट इट बिकॉज जो बच्चा इस टाइम ये सुन रहा है मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ वही हो जो आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो रहा है बिकॉज नो ऑफेंस बॉस अब मैं बोलने लगाऊँ मेरा ना कॉन्फ्लिक्ट ही यहाँ से है ठीक अब एक बच्चा विल से अपनी विश से उसने सोचा मुझे जाके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन में जो इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ वो कह रहा है ये तीस हज़ार की ट्रेनिंग अटेंड करो और आठ लाख की सैलरी जाके हासिल करो कैसे अब वो बच्चा लर्निंग से पहले अर्निंग पे फोकस करके बैठा हुआ है

तो इस बीच में इफ़ यू विल मी आई विल नॉट मैं आई विल पास दिस क्वेश्चन यार कोई मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी ठीक है माई अर्निंग सेकंड बिगेस्ट रिटेल ग्रुप में जा चुका हूँ वहाँ पे आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट अब ये मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम हम चले गए हैं 2014 में ठीक ठीक है आई वर्कड इन दैट कंपनी और मुझे उस कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ई e कामर्स का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिलता है आप लोग आजकल पॉडकास्ट कर रहे हो ना ई कामर्स पर मैं दो हज़ार सोलह में सेकेंड बिगेस्ट एस डी एन बेस्ड डेटा सेंटर ऑफ यू आई डिज़ाइन करके डिलीवर कर चुका था ठीक ओके सो दैट रिटेल ग्रुप वॉज गोइंग टू ई कामर्स मुझे वहाँ पर इतना बड़ा एक्सपोजर मिला ठीक है सो आई वर्कड इन दैट कंपनी बिकॉज अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ ठीक है ट्वेंटी ओके इन बिटवीन आई अचीव्ड माय सीसीआई इफ यू हर्ड अबाउट आई वाज टेलिंग वो एसोसिएट प्रोफेशनल एक्सपर्ट सो अब इस जॉब में मैंने एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन कर ली ठीक ओके सो मुझे देखें 2008 से मैं स्टार्ट हुआ हूँ 2015 सात साल ठीक है मैंने जाके अपनी एक्सपर्ट लेवल अचीव किया हुआ सात साल से सो तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि एक बच्चे को कितना टाइम लगता है एसोसिएट से प्रोफेशनल प्रोफेशनल टू एक्सपर्ट मल्टीपल अटेम्प्ट्स कपल ऑफ टाइम आई गॉट फेल्ड ओके एट मल्टीपल स्टेजेस एंड सेवन ईयर ओके सात ही बनते हैं 2008 से 2015 हां जी ठीक है और यस I got my CCI security. So that is the true picture वैसे के साथ साथ लगते हैं आपको कहीं भी expert होने में क्योंकि आजकल वही है ना बंदे को लग रहा है कि अच्छा भी छह महीने की training makes you an expert. वो वो field. हम बात कर रहे थे ना कि practically बताऊं या institute exactly, point of view so से बताऊं तो takes around seven तो भाई जो बंदा आज query लेने जा रहा है institute के अंदर Uh, how to start my associate level तो वो तो कह रहा हम मैं को कहता है ना खीरे से हीरा जी ठीक है तो वो तो कहेंगे छः महीने में हम आपको करवा देंगे बिल्कुल ठीक है तो

जूनो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ एक्चुअली माई बिजनेस पार्टनर जिल सिफ द कंपनी ही सेट वट नेक्स्ट मैं कहा अब तो देखो जो लर्न कर लिया ना अब तो किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा क्योंकि एयरलाइन हैज आपका मेडिक हेल्थ केयर एयरलाइन ट्वेंटी फोर सेवन इनका ऑपरेशन होता है मैं यार अब ना किसी ऐसे बिजनेस सेक्टर में जाना है जिसका ट्वेंटी फोर सेवन ऑपरेशन है कहता लाइक like मैं कह एयरलाइन नो हम दोनों ये बात कर रहे थे और छह महीने बाद मैं इतिहाद एयरवेज में बैठा हुआ था अच्छा ठीक एज एज अ वॉल एंड लोड बैलेंस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ओके आई गॉट हार्ड बाय आई बी एम आई गॉट अ साइन डेट एथर वेज ओके यस यू आस्क फॉर इट एंड यू गेट इट ठीक है हम पोडका से पहले बाहर बात कर रहे थे ना ये कैसे होता है मैं कह मैं तो मांग लेता हूँ ठीक है लेकिन यू नो इट्स नॉट दैट इजी एग्जैक्टली और मैं इतना भी मुश्किल नहीं बनाना चाहता हूँ कि मैंने अपना गुर्दा बेचा हुआ है <laughs> <जी, जी, laughs> नो 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 मैं वो इतनी वो हार्ड स्टोरीज में नहीं जा रहा हूँ तो हम अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं अब इस बीच में द स्ट्रगल वॉज रियल अब व्हाट्सएप भी आ चुका हुआ है अब कम्युनिटीज भी हैं आई रियली वॉन्ट टू गिव बैक टू दिस ना मुझे ना वो क्या कहते हैं पे ऑफ टाइम मुझे फील हो रहा था मेरी मेरी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ वापस देना है सो so, ये इस बीच में ये चार ये साल जो हैं जिसमें मैं यू चला गया हूँ चेंज कर चुका हूँ इस बीच में मैं जितनी दफा भी वेकेशन पे आया हूँ मिनिमम मैं तीन दिन के लिए आया हुआ मैक्सिमम मैं ट्वेंटी एट डेज के लिए आया हुआ ठीक इस बीच में मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता था यस मिनिमम थ्री थ्री टू फोर आवर्स ऑफ ईच सेशन एंड अलहदुल्ला उन सेशन के बीच में एक होता ना कि यू आर आप सेमिनार डिलीवर कर रहे हो और कुछ बंदे उठ के जाना शुरू हो जाते हैं वो आपका वो आपका रिदम खराब होता है नहीं आई आई लव टू डिलीवर एंड आई है लव टू अटेंड दो Hmm. अब मैं क्या हो रहा था उन सेमिनार्स के अंदर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड के बता रहा था वो इंडस्ट्री वर्सेस योर एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे थे ना ये सीरीज मैंने तब स्टार्ट की थी इट वाज़ अ जॉइंट एफर्ट बाय मी एंड ज़िल सो अभी करंटली इन अवर कंपनी वी आर थ्री डायरेक्टर्स दिस आइडिया सलमान फिजान सो फिजान पैरली डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड माई एल्डर ब्रदर ठीक है सो अब पैदल ट्रेनिंग भी कर रहा था और कुछ प्रोजेक्ट पर भी जा रहा था सो so, हम दोनों वहां पर मिले थे ओके सो ही मूव टू यू एस आई मूव टू यू आई मतलब कोई छ महीने के डिफरेंस है तो अब आ, हम लोगों ने सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं इस बीच में आके हमने दो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए ठीक हमने दो व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली वी स्टार्टेड विद वन ठीक है टू 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 गिव गिव बैक बैक द सोसाइटी यस ओके इंटेंशन वाज क्योंकि हमने उस टाइम के ऊपर स्ट्रगल देखी हुई वो मैं कह रहा था ना मेरी कॉल आंसर होती थी मैं हुँ. अब अब कोई इंटरनेट मतलब कम्युनिटीज नहीं है स्मार्टफोन नहीं है हेल्प चाहिए तो पता था ये टॉपिक उस दोस्त को आता होगा कॉल दैट गाय यार लकी ठीक है या yeah, आपको मेरी कॉल नहीं ड्रॉप हुई हुई यार तो दे कर... अब मैं चाहता था कि यार मेरे जैसे और भी तो होंगे ना बिल्कुल जिनकी कॉल ड्रॉप ना हो जवाब मिले यार जिनकी एक्चुअली जिनके पास कोई पॉइंट तो हो रहा करने का ठीक hmm. है अब कॉल तो वही करेगा ना जिसके पास नंबर होगा मैं कहता ना इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी टेक्स मी इफ यू डोंट हैव माई नंबर यू डोंट यू शुड नॉट बी हैविंग अ प्रॉब्लम विद मी ठीक है तो मुझे तो फोन वो करेगा ना जिसके पास मेरा नंबर है ठीक है तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया एंड uh, वो आज भी है हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप को प्रैक्टिकली नहीं रिलीजियसली हम उसको लेके चले ठीक you know religion hmm. ke whenever you do something wrong you always has a fear of hmm. uh, getting Punishment, punished yes hmm. Humne, uh, us whatsapp group start kiya and uh, the intention of starting the, that whatsapp group is post whatever issue you are facing in your real job in your in your studies hmm. whatever it is it is free of cost it, it will be answered, it will get solved hmm. that was the principle of that whatsapp group hmm. अब हम पैरल जॉब्स भी कर रहे हैं अब हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी चलाना है सो so, आठ दस घंटे की नौकरी भी करो ठीक है जब भी कोई पोस्ट करे सबसे पहले रिप्लाई भी करो ठीक है अपना अपनी जॉब को भी पैरल ही करो और उसके मसले को भी हल करो इफ इवन इट्स अ कन्फ्यूजन और इट्स अ प्रॉब्लम ही पागल है हम लोग ठीक है हम काम भी कर का रहे हैं और अब वो एक फीलिंग आ रही है ना यस वी आर गिविंग इट बैक ओके तो टेक्निकल सपोर्ट हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया और व्हाट्सएप में तो रिसेंटली 250 यूजर्स का लिमिटेशन हटाई है ना जी तो फॉर ऑलमोस्ट फोर इयर्स फोर टू फाइव इयर्स ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना 250 ऑलवेज रहे हैं इसके अंदर हमें कुछ लोगों से ना एक्सक्यूज करना पड़ता था कुछ सीनियर मेंबर्स को कैन यू प्लीज स्टेप आउट बिकॉज देर इज अ क्यू वेटिंग टू ज्वाइन दिस ग्रुप बिकॉज सम वन इज रियली स्ट्रगलिंग सो यस लोग करते थे ओके okay? hmm. और उसमें यही हुआ कि देन वी 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 सेड ओके वी हैव कवर्ड दिस पार्ट ओके एंड यस हमें देख के ना कुछ लोगों को यही लगता था दे आर लकी इनफ टू गेट दीज जॉब्स बिल्कुल आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट जोन जहां पे मैं कि नहीं देखो ये मेरे पीठ पे कितने कांटे हैं ठीक है नहीं हमने कहा कि इसका बेटर हल निकालते हैं देन वी केम अप विद अनदर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सो एक हमने सपोर्ट का बनाया एक हमने करियर्स का बनाया सो द आइडिया वॉज वी विल हेल्प द अदर्स टू गेट अ जॉब एंड वंस दे गेट द जॉब वी विल हेल्प द जॉब लेकिन

हमने एक इको तो हमने अचीव कर लिया ओके okay? hmm. अब बात आती है ई एन सी एस की ठीक ओके वी रियली वॉन्ट टू नो वर्क फॉर द इंडस्ट्री अब सर्व फॉर द इंडस्ट्री तो कर बैठे हैं बिल्कुल ओके अब हम इसको जो है ना बिकॉज वी आइडेंटिफाइड सम एरियाज आर नॉट गेटिंग कलर्ड ठीक है many incentive for a company start can you ka, you're happy with the dream job or something which is mm. happening in your life you're satisfied mm. ho. but then there you and then you, you you yes, uh, exactly. then you identify some areas which needs exactly some colors. and then you get out of your comfort zone again and mm. start an initiative company yes so okay. what were then those problems basically, your कुछ टाइम आपने हाईलाइट की या दैट दैट इज अ दैट इज अ टॉपिक ऑफ एंड या या हम उसको आगे कवर करेंगे ठीक है व्हेन व्हेन वी विल कम टू सी अभी हम बात करें व्हाट इज ईएनसीएस ठीक है ठीक आई विल कवर दैट इन व्हाई नी व्हाई व्हाई ईएनसीएस तो अब हमने एवरी नेटवर्क कंसल्टिंग सर्विसेज अब नाम भी वो रखना है दैट विल कवर एवरीथिंग ठीक ठीक है सो वी केम अप विद दिस नेम एवरी नेटवर्क कंसल्टिंग सर्विस शुरू में जब रखा वो था ना कि हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि गाड़ी लो तो लोग कहते हैं अबे तुम पागल हो तुमने ये गाड़ी क्यों ली बॉस पैसे मेरे मेरे में कल भी जी, है, नहीं है जी, <laughs> तो हम जी, भी ना नाम ये देना चाहते थे कि विच विल कवर जैसे मैंने कहा था आईटी छोटा नाम है लेकिन बड़ी फील्ड है तो एवरी नेटवर्क कंसल्टिंग केम केम अप एंड फिर हायरिंग हायरिंग कैसे करेंगे बॉस वो दो व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बनाए थे जो ब्राइट एंड इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ दोस व्हाट्सएप ग्रुप थे हमने उनको हायर करना शुरू कर दिया ठीक वी हायरड अवर फर्स्ट देखो दैट वाज आइडिया अंटिल Somebody जॉइंड अस ठीक यस दैट इज ट्रू एवरी स्टार्टेड विद एन आईडिया सो अब हायरिंग फॉर द कंपनी उसके लिए हमने क्या किया वी स्टार्टेड वो जहाँ पे भी जॉब कर रहे थे वी गेव दम बेटर सो पाँच साल हो कंपनी बनाए हुए एंड एज पर द सर्वे वी ऑलवेज पे ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर वट पीपल आर गेटिंग फॉर द सेम रोल इन एन कंपनी मतलब मार्केट से हायर पे ठीक yes, हो, yes, yes, yes. हो गया सो so, हायरिंग हमने उन व्हाट्सएप ग्रुप से करनी शुरू कर दी ठीक हो गया ओके सो ऑल द ब्राइट एंड इंटेलिजेंट पीपल ठीक है वी ब्रिंग देम इन अवर कंपनी बिल्कुल द अल्टीमेट रिवॉर्ड फॉर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम यस 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 तो ये एक बैकग्राउंड है ठीक ठीक है देयर इज अ लॉट बिफोर कंपनी ठीक है इसमें बहुत कुछ हुआ और सेमिनार से रिलेटेड मैं मैंशन करूँगा अच्छा फिर बीच में ना हमने कुछ ये भी आइडेंटिफाई किया हम इतना कुछ कर रहे हैं इतना कुछ कर रहे हैं वी वर अप्रोच बाई मल्टीपल पीपल जो कि अफोर्ड अफोर्डेबिलिटी के जिनके इशूज yeah. थे तो एनी वेज वी आर डिस्कसिंग वट इज़ ईन सी एस आप लोग प्राइमेली कौन सी इंडस्ट्री में क्या सर्विसेज दे रहे हैं सो ई एन सी एस एक्चुअली वी आर कैरिंग आई टी थ्री सिक्सटी पोर्टफोलियो देर इज कंपनी हु कॉल्स दैम

Uh, uh, we are uh, a reseller of multiple Oems okay. so okay so uh, giving you example conclude if a client comes to us they says we want to build an app and app or web okay hmm. we we do the development so now the development is ready where to host okay so we provide the hosting as well now the hosting is done okay and uh, code is built Secured. now who will man who will manage okay okay so that involves people mm -hmm. as well Thick it, so okay. IT support, hosting and yes then and then ongoing well. task and job of the administration need okay Thick. that involves uh, see uh, that that covers the security area as well Thick. so uh, now it uh, uh, the product is live okay mm -hmm. so yeah. how to secure it?

Every nation consulting services. It's every nationality consulting services yeah. that covers another uh, another basis basic aspect. Where is ENCS? Hmm. Okay? Hmm. So you will find us where there is a need. Okay. Okay. So a server is a server in Japan. A server is a server in Pakistan. True. Okay. Yes. So whoever needs our services, we are there. Okay. So. Th so our 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 footprint uh, our stage to perform uh, uh, to to uh, to deliver the services anywhere and you currently have clients around the globe yeah okay yeah that is cool. we have uh, clients around the globe so uh, giving you example we recently have done a project of Australia Australia based company mm -hmm. they had a project of uh, एस डी वैन डिप्लॉयमेंट इन फोर हंड्रेड लोकेशन अक्रॉस दर्ल्ड वी डिड दैट वी डिड अ प्रोजेक्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल ग्रुप इन द वर्ल्ड उनके हंड्रेड डेटा सेंटर की कंसोलिडेशन हमने की हुई है लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल सो सर्विस का तो ये है कि अवर कवरेज अवर एक्सपर्टीज दैट Uh, doesn't stop us to one geographical location. Sure. Okay, so uh, we have created our business model in such a way, uh, wherever you need the services, you will find us one way or another way. Uh, business locations. Ki agar sure. so our uh, head office is in uh, New Jersey, U.S. Where sure. the of the company uh, hai, uh, the, He operates from there, and our business development and uh, some sales. टीम एक्चुअली देट इज़ ऑल्सोर दे हमारा बेस कैंप जो है अवर डिलीवरी सेंटर बेस कैम्प बोल लो जहाँ से हम सारी सर्विस डिलीवर करते हैं दैट इज़ इन पाकिस्तान इस्लाम हमनेटली वी अटेंडेड वन ऑफ आई टी इवेंट इन यू एट हैपन लास्ट मंथ और हमने वो भी अटेंड किया एंड वेरी सुन यू आर गोइंग टू हैव अ न्यूज़ अबाउट अवर प्रेजेंस इन गल्फ रीजन एज यस 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 सो समथिंग इज कमिंग ओके सो सिंस इट इज अंडर सम फॉर्मेशन सो इट्स नॉट द राइट हैंड या बट बट लेट्स जस्ट थ्रो द न्यूज ओके सो प्रेजेंस वाइज यस एंड प्लस वी बिलीव इन कोलेबरेशन ओके okay. सो so, हम प्रिंसिपली बी टू बी इंटरप्राइज बिजनेस करते हैं ठीक ओके एंड एट समेयर वी आर ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर एज अ वेंडर ओके ओके एट सम वेयर वी आर ऑफिशियल पार्टनर एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर एट सम प्लेस ऑफ़ द वर्ल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर पार्टनर फॉर द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज ओके एंड At some part of the world, we are listed as a data center consultants. Thieko, okay, perfect. so uh, last last year, we delivered two data center of one of the biggest uh, uh, giant of telecom sector. And we delivered two data center in Singapore without going there. Thiek. And how we did that? That is our business secret. Thiek, okay. okay so that. having said that. देर इज अड इन सिंगापुर एंड यूकेट ठीक सो एज ऑफ टूडे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई एन सी एस सो वी हैव कवर्ड सम हिस्ट्री वेर वी हैव टॉक्ड अबाउट सम वाट्सएप ग्रुप वी हैव क्रिएटेडोस्टम सो दिस इको सिस्टम टिल डेट हैज क्रिएटेड सेवन हंड्रेड जॉब्स अमेजिंग सो इट्स नॉट दैट के सेवन हंड्रेड जॉब ई एन सी एस ने ओपन करके क्लोज किए नो टी एस ओके सो दिसको सिस्टम दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाई द मैनेजमेंट द लीडरशिप ऑफ ई एन सी एस विद अगर विजन सो नॉर्मली आप बात क्या करते हो कि हमारी कंपनी ने इतनी जॉब दी नहीं हमने कंपनी बाद में बनाई थी ये सो वी वर इन टू

सो so, ये आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए यू शुड ओन इट एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ अवर दैट इज़ वॉट वी बिलीव इन एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स यस 700 हंड्रेड प्लस ओके एंड हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के अंदर वी हैव टू जनरेट थाउजेंड जॉब्स ओके इनशल्ला वो टाइम गुजर गया जहाँ पर हमें डाउट हो अपने वी हैव डन दैट वी हैव डन दैट पार्ट ठीक अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है वी नो हाउ टू गैट इट डन ऑल वी है अपरचुनिटीज एंड कीप एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हम लोग लोगों की करते रहें ओके okay? yeah. हमारा मकसद सिर्फ लोगों को uh, की काउंसलिंग करना अपनी कंपनी में लाने के लिए नहीं है So if I have referred a guy for a job, yes. That also counts. بالkul. Let's come up towards industry you're working in right now, the cybersecurity, and networking industry specifically. Uh -huh. So what is new happening in this industry right now? Kya trend growth, nazar Kaun si field merge rahi hai? Chal rahe sab? Yeah, uh, we already talked about this IT industry is really huge. Can we be specific? मुझे एक दो एरियाज बताओ नी लेट्स सपोज अगर आप नेटवर्किंग की तरफ आए तो यू कैन गो फॉर वाई एफ एस एक्स फाइव जी एल टी क्या काम चल रहे हैं दुनिया में दुनिया में तो एक्टिव आ गई पाकिस्तान में कब तक आएगा क्या सिचुएशन चल रही है okay, पाकिस्तान कब आएगा See, there is always a technology wave. Hmm. Okay, it hmm. start from like from यू एस कैनेडा ये नॉर्थ अमेरिका hmm. वाली साइड से आती है Mm. then europe then gulf okay then okay you south know. asia yes true so true it already has started exactly. Exactly. so having said that let's uh, talk about 5g LTE. okay mm. encs is currently working on something really big which will be out and loud it's a matter of a month. month, okay. then people will uh, start asking, just wait for some time. Okay. we are working on something really big with some fortune 500 companies. okay, amazing. Thick and hain? what is the project itself? Uh, it's 5g lte deployment, which never happened before. okay, in pakistan. no, or? no, but from pakistan. ओके दैट इज है बट येस उस फुटप्रिंट के अंदर उस डिप्लॉयमेंट के अंदर देर विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान रिसोर्स इट्स आई सेड जस्ट गिव मी समाइम सो इट विल बी आउट एंड लाउड अब विद जस्ट नॉट विद द न्यूज़ वी आर कमिंग अप विद सो मैनी जॉब्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और फाइव जी एल टी Okay sounds very interesting yes and it's my promise okay. when it will be out it 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 just wants sounds in, interesting mm. you will see it happening okay mm -hmm. and uh, inshallah one day and uh, or the next move will be we will we will we are parallelly working uh, we we are putting parallel effort to bring that and work practically in pakistan okay but as i said the project is not pakistan based mm -hmm. but there are companies we, we are in talk they qualified uh, themselves in fortune 500 okay that is amazing that sounds good are uh, coming up towards this industry let's be honest mm. Uh, आजकल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं यार दुनिया में चल रहे हैं ए mm. की वेव चल रही है कि यार ए कर लो ए आई का कुछ सीख लो ए इज द नेक्स्ट फ्यूचर बट पीपल आर काइंड ऑफ अंडरमाइनिंग दिस इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के यार साइबर सिक्योरिट बिकॉज अगर आप देखें कहीं भी ट्रेंड uh, exactly, yes. so, yes. तो uh, no no की ग्रोथ एक्जैक्टली ये तो वहाँ साइबर सिक्योरिटीडंग टॉप इंडस्ट्री विच हैव ग्रोथ ग्रोथ उसके पास अपॉर्चुनिटी है ए आई के बराबर बराबर चल रहा है तो वाई इट इज नॉट इन द लाइन लाइट आई एम नॉट गोइंग टू डू अम लेन कंपेरिजन बिटवीन ए आई एंड साइबर सिक्योरिटी मैं जस्ट साइबर सिक्योरिटी पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा लेट्स रिलेटेड विद एग्जाम्पल इफ यू सी अथलीट ऑफ हाई जम्प ठीक है सो यू विल नॉट डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिस हाई जम्प ओके okay, आपको पहले स्प्रिंट आपको रनिंग आपको जो है ब, 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 बेसिक जंपिंग ठीक है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो साइबर सिक्योरिटी इज स्टेप सेवन देर आर सिक्स थिंग्स बिफोर ठीक ठीक है वो जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ना कि एक बस वर्ड आता है सारी पब्लिक उस तरफ चली जाती है एंड दैट इज वट आई हैव सीन हैपनिंग विद द साइबर सिक्योरिटी देर इज़ नो हार्म इन डूइंग इट बट प्लीज कंसल्ट विद समन बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाई जम्प ठीक है तो उसमें ये है कि फॉर एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू परस्यू द करियर इन साइबर सिक्योरिटी वेन आई वॉज सी रिसेंटली ओन लिंक्ड इन आई केम थ्रू आई केम अक्रॉस अ वेरी नाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम दैट डायग्राम एक्चुअली रिलेट विद एनदर एग्जाम्पल वैन यू परचेज सम थिंग वेरी कॉस्टली पीशियस लाइक अ ज्वेलरी आप उसको घर के बाहर जो वॉचमैन बैठा होता है उसकी जेब में नहीं रख देते हैं बिल्कुल hmm. ठीक है आप अपने घर के अंदर लॉकर में जा कर रखते हैं सो थ्रेट इज ऐट द रोड और एट द स्ट्रीट ओके बट आप अपने घर के बाहर एक मेन गेट लगाते हो देन सो सो देर इज अ गेट देन देर इज अगेन अ मेन डोर

या आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि समथिंग लेट्स से इट मिशन क्रिटिकल एसेट बिल्कुल ओके इट कैन बी एनी थिंग बट मैं इसको अभी ना इसी वर्ड के अंदर कंक्लूड करूँगा मिशन क्रिटिकल आपके पास एक एसेट है ओके okay? एंड uh, आप साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो ठीक है यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वट इज़ क्रिटिकल इन इट फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर There are layers of security which you have to achieve or understand first. G so, in the security world, there is something called endpoint security. Endpoint mm -hmm. security means phone, machine, Google. laptop, Google. Mm -hmm. iPad, tab, they are considered as endpoint. So, endpoint security. Mm -hmm. Then there is something called uh, perimeter security. G सो पैरामीटर सिक्योरिटी इज जस्ट बिफोर द इंटरनेट ठीक ओके देन देर इज समथिंग कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी देन देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी ओके देन पॉलिसी मैनेजमेंट ठीक ओके एंड ऑपरेशन एंड मोनिटरिंग ठीक ओके आपको थोड़ा थोड़ा इन एरियाज का समझना और पढ़ना पड़ेगा बिकॉज साइबर सिक्योरिटी टोटली रिलेट्स विद द थ्रेड विच इज एक्चुअली जो इंटरनेट पे है ठीक ओके और अगेन इट्स तो एनी वेज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंजीनियर हूँ या चले मैं एक ग्रेजुएट हूँ इंटरमीडिएट की है डिग्री की है स्टेप फ्रॉम मी यू शुड गो एंड लर्न फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी यू शुड गो फर्स्ट अंडरस्टैंड वट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ओके देन स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी ओके देन डेटा डेटा एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी ओके देन यू गो टू एंड पॉइंट सिक्योरिटी ओके सो ये देखो आपने टू एक्सेस एनी थिंग ऑन इंटरनेट देर आर मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व मल्टीपल हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आईटी वर्ल्ड के अंदर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वी अंडरस्टैंड इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक ओके सो नॉर्थ साउथ नॉर्थ वाली साइड पे आपका इंटरनेट है सो देर इज एंड पॉइंट देर देर इज एप्लीकेशन एंड देर आर सर्वर्स, ठीक ओके साइबर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे है ठीक ओके नॉर्थ वाली साइड पे है तो hmm. so, आपको ये सारे एरियाज़ को थोड़ा थोडा समझना पड़ेगा यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ ओके बट आपको किसी भी साइबर थ्रेट को हैंडल करने के लिए आपको इन एरियाज़ को समझना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है और आपको आप अगर चाहें आप चाहें तो आप यूट्यूब या मीडिया, internet yes. उठा सकते yes. पढ़ सकते पढ़ हैं ठीक ठीक है है रोक रहा नहीं रोक, 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 रोक नहीं रहा पर मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल इफ आई जिसने जिसनेट से सीख लिया यूट्यूब से हाउ मच हायरेबल ही लेट सपोज कि देखें आपकी तरफ एक बच्चा है जो सर्टिफिकेशंस लेके आ रहे हैं एक लड़का जिसने यूट्यूब से चीजें सीखी हैं इज योर गाइडिंग कैप इस इस चीज को सीख लो तो उसको अपने आप को हाई ज्यादा हायर लेवल nice बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सीवी के अंदर नहीं ना लिखो मैंने यूट्यूब से सीखा होता है हाँ, बहुत बहुत मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा तुम्हारा बिकॉज आप सीवी पे क्या लिखते हो ना वो सब कुछ बता देता है बिल्कुल so, देखो हार्ड सॉफ्ट बेसिक स्किल्स ये भी सारे इन्वॉल्व होते हैं आप सब कुछ सब कर लो और आपको अपनी रेज्यूमे ही ना बनानी आए ठीक तो, है आपको उसमें मेंशन ना करना है मेरे जैसा बंदा अगर किसी की मैं बहुत सारी सर्टिफिकेशंस देखूं तो वी नो वेरी वेल आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट एरिया के समटाइम सम पीपल हाउ दे बाई पास दासिंग क्राइटेरिया मैं mm -hmm. उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन जस्ट टू जस्ट टू टेस्ट द माइंड ऑफ द कैंडिडेट मैम आई नॉर्मली आस वेरी हॉर्ड क्वेश्चन जस्ट टू सी कि ये पजल होगा या ये विद द प्रेजेंट माइंड ठीक है ये आंसर करेगा सो अगेन आई एम टेलिंग यू आपने क्या किया है ये आपकी देखो सीवी रेज्यूमे विल हेल्प यू टू गेट शॉर्टलिस्टेड सो वंस यू आर इन टू इंटरव्यू ओके पकड़े जाते हैं आप नहीं कौन कह रहा है देखो एंड अगेन यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स ट्रू ओके एवरी इंटरव्यू डजन मींस यू विल गेट द ऑफर लेटर बिल्कुल एक फेल हुआ तो क्या हुआ यार जी ठीक है उसमें से कुछ तो सीख के आओ बिल्कुल ओके सो so, पॉइंटर्स uh -huh. होने चाहिए ना आपके पास वेर आई रॉन्ग जी ओके okay? सो so, uh -huh. उसको ठीक करके जाओ ना करकेट मीन एनी वेज द क्वेश्चन हाउस एक्सेप्टेबल इंडस्ट्री इज the student जिसके पास कोई फैंसी certifications नहीं है बट ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज ही या आपके लिए इंटरनेट का जो मैंशन नहीं ना भी करे इस यूट्यूब पर वैसे उसका इस पर इंफॉर्म किया कि दिस इज इंडस्ट्री आई हैव स्टडीबल है एक्सेप्टेबल हैसेप्टेबल और स्पीक फॉर योर सेल्फ ओके कोई भी आपकी जस अच्छी सी वी को देख के भी नहीं आपको जवाब देने वाला अगेन देर देर आर हैव टू गो थ्रू लेकिन आंसर इट इट इज एक्सेप्टेबल ओके आई आई हैव हार्ड मल्टीपल पीपल इन माय कंपनी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ बिल्कुल बिटवीन मैं इसे नॉर्मलीफाइड इन इंजीनियर सेटिस्फाइड इंजीनियर

थोड़ी सी बहुत okay. ज़्यादा थोड़ी okay. सी बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है जी ट्रू ठीक है agree. थोड़ी सी हमारे साइड से mm -hmm. और बहुत mm -hmm. ज्यादा कंज्यूमर एंड से ठीक हो गया तो व्हाट डू यू बिलीव आर द राइट स्टेप्स के आज जो भी नंबर पाकिस्तान के अंदर काम करे पाकिस्तान में बैठ के बाहर ऑपरेट कर रहे उसको अगर mm -hmm. हमने टेन टाइम्स करना है इन द गिवन फाइव ईयर्स नेक्स्ट फाइव ईयर्स तो वट शुड बी द राइट स्टेप्स एज इंडस्ट्री लीडर लाइक यू एज अ स्टूडेंट

<laughs> mm -hmm. इसमें ना वैसे देर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ठीक है सेट ऑफ कंज्यूमर जो पिटने के बाद साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं बी पार्ट ऑफ चेंज और बी विक्टें yes. वो आ चुका हुआ इधर यू कैन बी पार्ट ऑफ इट और इधर यू कैन बी विक्ट और मैंने इसके अंदर ना अच्छा मैंने इसके अंदर ना एक बड़ी ही डिफाइंड जो है ना लीग देखी है कंज्यूमर्स की जिनको लकीली एक कंपनी राइट टाइम के ऊपर प्रपोज कर देती थी गो दिस दिस इज यस वो सीधा क्या देखते हैं वो कहते हैं उनकी नीड होती है उनको पता होता है दे सिंपली चेक देर पॉकेट एंड योर रेट्स आर नॉट गुड अच्छा यू नो इस पर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा when it comes to financial there is nothing called good and bad rates there is always called affordable not affordable yes so anything which is not affordable to you that makes you feel bad okay yes. wait for the bad moment trigger in your life yes so <laughs> हमें बहुत सारे ऐसे के केसेस देखने को मिलते हैं mm. जिसके अंदर जिनको पहले हमने जो प्रपोज किया होता है mm. तब वो कहते हैं हमारा बजट नहीं है mm. और जब वो एक्सपोज होकर पिट जाते हैं देन वो जो तुम तुम कह रहे थे ना कि 10 times up कैसे कर सकता है एक्चुअली मैं उस टाइम पे फिर वो कंपनी टेन टाइम्स बजट लेके आ जाती है ठीक है लेकिन तब नाम फेस वैल्यू स्टेक पे लग चुकी होती है बिल्कुल और मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है नहीं लेकिन, नहीं। नहीं। लेकिन 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 हमने पिछले पांच साल में बहुत सारी ऐसी कंपनीज को सर्व किया है ठीक है जिनको और कोई नहीं रिस्टोर कर पा रहा था एंड ई इज बिहाइंड सीन्स ओके उनको एक्सपोज करने में नहीं उनको प्रोटेक्ट करने में ठीक ठीक है, है तो <laughs> भाई वो अपनी गलतियों थी, से, लेकिन uh, again, as I said, uh, आपने मुझसे रोड में पूछा था so, उसको मैं ऐसे वो अगेन उसी स्टेटमेंट से कहूंगा इधर बी पार्ट ऑफ चेंज बी ओके सो आपको या तो राइट right टाइम पे राइट एक्शन लेना है या uh,

फॉर द पीपल हु वॉन्ट टू परस्यू दैरियर और वो कहते हैं हमें तो पता नहीं चला बॉस आज आप आज, आज 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 ये नहीं क्लेम कर सकते हो सो so, मुझे पता है ना यू कैनोट ऑब्जेक्ट एवरी वन ठीक है रिस्पेक्ट एवरी वन ओपिनियन वेट फॉर द टाइम मे बी आई ओपनर उनके लिए कभी ना कभी हो जाए कंज्यूमर एंड के ऊपर तो मेरा दिल करे मैं सबको एक दफा पकड़ के ही समझा दू कि भाई ये सीन है क्योंकि बींग वेरी ऑनेस्ट इफ आई लुक टूवर्ड्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री आर नॉट हैविंग अ सिक्योर प्लेटफॉर्म मतलब उनके चले जो बेसिक सिक्योरिटी उनका डेवेल्प ही प्रोवाइड कर रहा होता है दे आर ओनली ओके विद दैट और उनको होता है कि चलो यार रीच बढ़ जाए मार्केट बढ़ जाए दैट इज इनफ data endpoint I have seen many companies where they invest huge

थैंक यू सोलमैन फॉर बींगज अ प्लेयर टू टॉक विद यू डिस्कस द की ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंडिंग जर्नी आई रियली होप आई हैव एडिड द वैल्यू टू दिस पॉडकास्ट एंड डू वन थिंग फॉर फॉर द पीपल हु वॉन्ट टू परस्यू दे करियर एंड दे आर कन्फ्यूज हम आपके साथ अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे सो दे कैन बी पार्ट ऑफ दोस्ट

Uh, level of job openings massive level of job openings mm -hmm. very soon in multiple areas okay or uh, thank you for inviting me no, i hope i hope i have added the value me surely did. or uh, if not okay then please then please let's live with the bouquet that I have given you. No, no, the value was immense. Okay, <laughs> guys, thank okay, you, thank, thank you. you very much. Thank you. Allah